एक बार फिर वही हुआ जिसका डर विधायक को था, क्योंकि गहलोत के कानों में फिर सचिन पायलट जिंदाबाद की गूंज सुनाई थी। अशोक गहलोत इस भीड़ को तो कुछ नहीं कह सकते और ना ही अपने कान बंद कर सकते हैं, लेकिन टोंक पहुंचे गहलोत को देखते ही भीड़ ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए और विधायक की धमकी पायलट समर्थकों के आगे बेअसर रही, क्योंकि जब ये नारे लगे उससे पहले ही विधायक बाबूलाल नागर ने ये कहा था, कोई किसी के नारे नहीं लगाएंगे। दो नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएंगे। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है। बाबूलाल नागर ने साफ कर दिया था कि नारे तो अशोक गहलोत राजीव गांधी के ही लगेंगे और अगर कोई दूसरा नारा लगा तो अच्छा नहीं होगा और पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, जैसी बात कही गई थी। लेकिन सीएम के सामने आए तो नारे पायलट के लगे। अब अशोक गहलोत को फिर एक बार पायलट के नारे सुनने पड़े और जिस विधायक ने मंच से भीड़ को पहले ही ये धमकी दी थी, क्या वो विधायक साहब अब इन नारों को सुनकर भीड़ में पायलट बोलने वाली लोगों को गिरफ्तार करेंगे? अब ये सवाल है। खैर, रिपोर्ट के अंत में आपको हम गहलोत के सामने एक बार फिर वही नारा सुनाते हैं जब अशोक गहलोत जैसलमेर के दौरे पर थे। इस दौरान मंदिर में अशोक गहलोत के सामने भीड़ ने पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए थे। मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं के साथ में रूबरू हो रहे हैं। नमस्कार सर। ग्यारह सालों के विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहां मिलती है बीएड, बीएसटीसी, बीए और बीएससी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहां डायरेक्टर दीनदयाल जाखर और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखर के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहां होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सलूशन। बारी फतेहपुर शिखावाटी, मोबाइल नंबर 9649173111।